गुड मॉर्निंग माई लवली किड्स. सो किड्स, इट्स टाइम फॉर अवर लैंग्वेज टाइम, यानी कि फन विथ लेटर्स टाइम. ओके, सो किड्स, इन अवर टुडे सेशन वी आर गोइंग टू राइट कर्सिव एल. कर्सिव एल, मम्मा एल एंड बेबी एल, मम्मा एल एंड बेबी एल. L for leaf, L for lamp, L for leg, L for lock, L for leaf, L for lamp, L for leg, L for lock. Now let's see how to write L. L हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ब्लू लाइन से रेड लाइन तक हम एक छोटा सा स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे. वहीं से ऐसे सर्कल करके हम बनाएंगे ऐसे स्टैंडिंग लाइन. फिर वहाँ से एक छोटा सा सर्कल करके ऐसे कर्व करेंगे. दिस इज़ अवर एल. ठीक है, वन स्लैंटिंग लाइन, सर्कल करके स्टैंडिंग लाइन, देन ऐसे सर्कल करके स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व, स्टैंडिंग लाइन, वन मोर कर्व एंड स्लिपिंग लाइन. जैसे थोड़ा सा हमें इसे कर्व देना है. ओके, अ स्मॉल कर्व. नाउ लेट्स राइट इट विदाउट ट्रेसिंग. ठीक है, कैसे लिखेंगे बिना ट्रेसिंग के? पहले एक छोटी सी स्लैंटिंग लाइन, वहीं से सर्कल करके नीचे आ जाएंगे, यहाँ से सर्कल करेंगे एंड लाइक दिस. दिस इज अवर एल. स्लैंटिंग लाइन, सर्कल करके स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, कर्व करके ऐसे कर देंगे. दिस इज अवर एल. स्लैंटिंग लाइन, वहीं से सर्कल करके स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, सर्कल करेंगे एंड लाइक दिस. दिस इज अवर मम्मा एल. नाउ लेट्स सी हाउ टू राइट बेबी एल. ठीक है, तो सेकेंड ब्लू लाइन से रेड लाइन तक हम ऐसे स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे, सर्कल करके स्टैंडिंग लाइन एंड देन कर्व. फर्स्ट सेकेंड ब्लू लाइन से रेड लाइन तक हम स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे, ऐसे कर्व करके स्टैंडिंग लाइन एंड वन मोर कर्व. दिस इज अवर बेबी एल. स्लैंटिंग लाइन, कर्व, स्टैंडिंग लाइन एंड वन मोर कर्व. दिस इज अवर बेबी एल. लेट्स राइट इट विदाउट ट्रेसिंग. नाउ वी विल मेक अ स्लैंटिंग लाइन, कर्व, स्टैंडिंग लाइन and slanting line. So slanting line, curve, standing line and curve. Okay, slanting line, curve, standing line and curve. So this is our BBL and Mama L. So kids, you are going to write it in your workbook and then in your notebook also. Bye bye.